फैक्ट्री स्टॉक्स वो यूट्यूब चैनल। तो आज यहाँ पे हम कोल इंडिया लिमिटेड स्टॉक के बारे में बात करेंगे और लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे चेक करने वाले। तो कोल इंडिया लिमिटेड स्टॉक की बात की जाए तो आज यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कोल इंडिया स्टॉक ट्रेडिंग कर रहा है 182 के लेवल पे, 182.25 पे ट्रेडिंग कर रहा है। तकरीबन 1 पॉइंट की गिरावट देखने को मिले कोल इंडिया स्टॉक में। देख सकते हो कि प्रीवियस जो क्लोजिंग थी 183 थी, तो आज ओपन हुआ था सेम लेवल पे। ओपन होने के बाद एक अच्छी मोमेंट भी देखने को मिली थी, पर यहाँ पे आप देख सकते हो कि रिसेंटली फिर से गिरावट देखने को मिले। तो आज का जो हाई है 185 का हाई बना के रिसेंटली 179 का लो बना के रिसेंटली स्टेबल है प्रीवियस जो क्लोजिंग थी उसी के साथ। यहाँ पे आप देख सकते तो रिसेंटली देखा जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आज के दिन का भी वॉल्यूम देखा जाए तो 48 लाख का टोटल वॉल्यूम देखने को मिला है आज के दिन में। यहाँ पे आप देख सकते हैं बाइंग के लिए 12,51,000 क्वांटिटी पेंडिंग है और सेलिंग के लिए 10,42,000 क्वांटिटी पेंडिंग है। तो देखा जाए तो देख सकते हैं कि सिक्योरिटी वाइज डिलीवरी पोजीशन भी देखा जाए तो 40 लाख में से टोटल यहाँ पे 13 लाख से क्वांटिटी डिलीवरी के लिए जा चुके हैं। 34% क्वांटिटी डिलीवरी के लिए जाते हुए नजर आ चुके हैं यहाँ पे एंट्री कोल इंडिया लिमिटेड स्टॉक के अंदर। तो कोल इंडिया के डिटेल्स भी देखे जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बाकी के डिटेल जैसे कि चार्ट पे नजर डाली जाए तो चार्ट में देख सकते हैं जो ट्रेंड लाइन है उसी का सपोर्ट लेते हुए ऊपर जा रहा है कोल इंडिया स्टॉक। जबकि ये ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट मिलेगी तो और गिरावट देखने को मिल सकती है। उसी के नीचे देख सकते हैं कि 200 मूविंग एवरेज जो ब्लू कलर का लाइन है, 200 मूविंग एवरेज जो है जो कि सपोर्ट का भी काम करेगा। नीचे गिरावट होती है तो कोल इंडिया स्टॉक के लिए। तो ये थे लेटेस्ट अपडेट कोल इंडिया स्टॉक के लिए।